वो बेईमान है, वो शैतान है, वो सब कमाए, वो राजेश भंडारी हाँ सब को कमाता है, जमीन में कर रख लेता है, वार्ड पंच को भी नहीं देता है। बाबा मैत्री बात तो हाँ, बहुत और देखिए हर पोल में उसको बोल लगाना चाहिए, दूठो बोल एक ठो बोल में बोल देता है, चार ठो में नहीं देता है। हाँ कौन जाति की है? सानी, सोने सानी है वह द्वारे। हाँ जी जी, जातिवाद के राज। हाँ 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 हाँ, हमारा मुखिया हमारी पंचायत। हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो, लोग जानना चाहते हैं। जिंदाबाद, बाबू जिंदाबाद, 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 हिम्मती माला छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा मुखिया कैसा हो? मेरा मुखिया कैसा हो? गरीब का मुखिया कैसा हो? मुखिया कैसा हो? मुखिया कहल जाए सर, मुखिया जी के कार्यकाल से कते खुश किया? हम नहीं खुश थे, राजस्व भंडारी अखन तो हमारा और के राशन नहीं मिले। अच्छा, नल के जल कहीं या आवास शौचालय इन सब से कहूँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया। अच्छा, पेंशन नहीं मिलता है। अच्छा, तो पाँच बरस के मुखिया क्या क्या बहुत तकलीफ होइए, जे व्यक्ति बताबे छै जे हमरा पेंशन नहीं मिले, अंधा छै, ओहि व्यक्ति के विकलांग पेंशन जे हेबाक छै से नहीं मिल रहा छै, अंधा एक तो अंधा छै। अहाँ पंचायत तऽ अहाँ देखलियै नहि केना की रहलै, सुनैत हेबै जे की सुविधा सब छै, किछु नहि छै। हमरा सुन के किछु सुविधा नहि, शौचालय एकटा बनि रहल, बनल अभी तक बिजली के एक गोटा बिजली कहीं नहीं लागल, और पानी के व्यवस्था तो बिल्कुल नगण्य। मतलब कहल जाए सब मूलभूत सुविधा से वंचित छी, किछु नहि भेल? किछु नहि भेल, मूलभूत सुविधा टोटल वंचित, किछु नहि, किछु नहि। छाप जिंदाबाद, 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 कपेश्वर सानी जिंदाबाद, 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 कपेश्वर सानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर जय मिथिला, एखन अहाँ सब देख रहल छी मधुबनी गुड न्यूज, और हम ललित अहाँ सबके मधुबनी गुड न्यूज से स्वागत कर रहल छी। हम बता दी आई अहाँ सबके कि मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड से करैया पूर्वी पंचायत एलौं हँ, और पंचायत विजिट केलौं, जे मतलब देखलिए एत के मूलभूत सुविधा, जनता से फीडबैक लेलौं जे धरातल पर सही में उतारल छै कि नहीं। तो हमरा एत के जे विकास लागल, दू तरह में विकास बाँटल छलै, जतय मुखिया जी के गांव छलै तत बहुत निक कनी विकास देखलिए, और जतय मतलब दोसर गांव छलै दोसर जाति के छलै, एत बहुत सारा राजनीति जे हम ओहि चीज पर बात नहीं करब, हमरा विकास के नाम पर किछु नहीं दिखायल। जनता से फीडबैक सेहो लेलौं हँ, जनता बतेलथि है जे कोन तरह से विकास भेलै। ताहि बीच में हम बता दी अहाँ सबके कि 20 अक्टूबर का चुनाव छै, ओहि चुनाव में एकटा व्यक्ति के समाज सेवी व्यक्ति छै जिनकर नाम बहुत एलै है, चर्चा बहुत छै व्यक्ति के, जो 12 बजे रात में अगर केओ मर्डर भऽ जाइ छै, केओ मारि दै छै या केओ एक्सीडेंट भऽ जाइ छै, तऽ इएह व्यक्ति उठा कऽ हॉस्पिटल लऽ जाइ छै, आ जब ब्लड नहि रहै छै तऽ अपना शरीर में सँ खून दै छै। ओहि व्यक्ति के हमहूँ सलाम करै छी जे एहन व्यक्ति देश के सेवा करै लए जरूरी छै हमरा अहाँ के समाज में, ओ व्यक्ति मुखिया में खड़ा छथि। तो हमर अहाँ समाज ओहि व्यक्ति के नहि चुनबै तऽ ई कतौ मतलब नीक नहि भेलै, ओ अन्याय भेलै एहि व्यक्ति के चुनि कऽ। और हम इएह समाज से और हम अपना युवा से निवेदन करबनि जे एहन व्यक्ति के पंचायत में लोबाक चाही, और अहाँ अपना पंचायत में लाबी। ओ हमरा बगल में बैसल छथि तपेश्वर सहनी जी, हुनका से आइ हम पूरा चीज में बातचीत करब। सबसे पहले हिनका चाहे छियनि मधुबनी गुड न्यूज में स्वागत करै छियनि, और चाहबनि जे पहले अपने शब्द में पहले अपन परिचय दे दियौ। हम सब जनता के तरफ से हम प्रणाम करै छी, अभिनंदन करै छी, हम आत्मा से शरीर से और प्राण से अहाँ के चरण में हमर अपन नमन करै छी। हमर नाम तपेश्वर सहनी, ग्राम श्रीरामपुर करहिया पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 6 के रहनहार छी। हमर पिताजी के नाम श्री राम नारायण सहनी छथि, जे रिटायरमेंट छथि बिहार सरकारक नौकरी, परंतु पुनः अभी बाबूबरही अनुमंडल में नाजिर पोस्ट से वो कार्यरत करै छथि, और उनकर जीवन में जे हम पिताजी के जीवन में एक बढ़िया देखलौं, ओहि हिंसा से हम आगे बढ़ै छी और बढ़ैत रहब। हमर नाम संग संग हमर जीवन के अर्पण करै छी,
हम जनता से, हमर नाम तपेश्वर सहनी है। जी तपेश्वर सहनी, हम अहाँ से ज्यादा किछ बात नहीं करब, हम ई कही अहाँ के ऐसे पहले अहाँ की करे चलो और आई पंचायत में चुनाव लड़े के मकसद की छे, ओना अहाँ के बारे में हम ज्यादा नहीं पूछे चाहब, अहाँ समाज से भी चलो, हमरा तो जनता से मिलबे के, लेकिन फिर भी हमर फर्ज बने छे अहाँ से पूछे के की करे छलो ऐसे। जी हम 2009 में डेंटल के कारोबार करे छलो पटना बोर्डिंग रोड, जे पटना के हस्तपुष्ट इलाका छे, तई में बोर्डिंग रोड एक नामी गामी जगह छे, ओई जगह हमर डेंटल लैब चले छल, हमर 10 वर्कर रहे छल, और जे हम कमाए छलो, हमर सपना छल कि मलाह एगो यूनियन संघ होए, वही संघ के गांधी मैदान में 50 लाख मलाह इकट्ठा करी, वही पर हम काम चालू केलहुँ 2009 में, तखन 62 गांव काम केलहुँ, 15 सदस्यीय टीम, और वो टीम करीबन 1000 टीम के नौजवान भेलैथ, और वह दरमियान में हमर बाया हाथ के सुशील सहनी छलैथ जे सक्रिय जगदीशपुर के रहनहार छलैथ, और हुनकर हमरा से मिलय के लेल एगो नसीर साथ है, नसीर मोहम्मद नसीर जी के गाड़ी करवा के लेल वो आबे छलैथ, हम हुनका कह के दितियन, वह बीच में हुनकर एक्सीडेंट पैर और हाथ कट गेलन, और हुनकर एक्सीडेंट के बाद वो बाप के एकटा बेटा मारल गेलैथ और मर गेलैथ, ओय के बाद में हमर जीवन के परिवर्तन भेल, ते के बाद में 2013 में हमर पत्नी मर गेल, संग संग हम बचपन से लौ के अखन तक जत कोई कटल हो, जत कोई विधवा हो, जत कोई अनाथ बच्चा हो, कतो असहाय हो, जे कटिंग फटिंग हम हुनका उठा के लो जाय छी, और हमर सपना पंचायत के ठीक छे, तहन हमर पत्नी 2013 में देत कलत, और तकर बाद में हम 2016 में हम 4 साल तक जनता बहुत पहले से हम बचपन से लौके अखन तक हर जगह हर क्षेत्र में हम मददगार के रूप में एगो उभरलों, और इतना ही नहीं पंचायत में हम पंचायत के नाम बाहरों जगह में कि हम पहला गांव के छी, हम करहिया पूर्वी पंचायत के छी, और संग संग हम ए पंचायत में पिछला गत जे 16 में मुखिया कैंडिडेट बनलों, वही में जनता बिना पाई के, बिना दारू के, बिना मीट के, बिना निस्वार्थ भावना में हमरा जनता भारी मत से दलत, और हम किछ वोट से हारलों, पुनः ऐ बेर पिछला बेर 7 गो कैंडिडेट रहे, एवरी 2 टा होती तो जे किछ एक व्यक्ति जे सरपंच के द्वारा खड़ा छलैथ पिछले साल, आ वो ऐ बेर मुखिया के प्रत्याशी बनलैथ और हमरा हराबे के प्रयत्न कर रहल है, तखन जे वर्तमान में मुखिया जी छथि राजेश भंडारी, वो एक तरफा काम करलैथ, ई कोन काम करलैथ, पंचायत करवैलथि, जे गरीब भाई छे ओकरा साइड करवा देलक, केस के दारी करवैलथि, रोड के काम में ठेकेदार बन गेलथि, और लाइट के काम में ठेकेदार बन गेलथि, लाइट में 2 नंबर वार्ड में नहीं लगल, ते के बाद 6 नंबर नहीं, 7 में नहीं 8 में नहीं 13 में नहीं न 14 में न 15 में, जत छोट बड़न के जत मूर्ख समाज छे तैठम काम नहीं कल के, और जैठम पढ़ल लिखल समाज छले वो अपन मोहल्ला के सुसज्जित कलैथ, और इतना नहीं इंदिरा आवास में जो प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत में पैसा लिया गया, लेटिंग में पैसा लिया गया, और यहाँ तक कि डीलर जो 3 गो थे उसमें भी किसी कारणवश से उसका कैंसिल करवाया गया, बहुत सारा कॉज है जो पंचायत में लाइट लगा है उसका 50% लाइट जलती है और 50% लाइट बंद रहती है। जी जी, मतलब सहनी जी अहाँ के एक चीज कहबाक छे, एते चीज के बात से हम एक चीज बुझलिए, जे मतलब जते भी जनता छे वो जनता के मूलभूत सुविधा नहीं मिले, नीचा तबका के जते भी जनता छे ओकरा मूलभूत सुविधा से वंचित कैल गेलै, एतुका जे मतलब राजनेता छला है, मतलब मुखिया जी कहबाक चाहिए वो विकास कलखिन सिर्फ एक तरफा, और अहाँ के मलाह पासवान जे भी जाति के लोग छे उनका पूरा अधिकार नहीं मिले, चाहे वो नल के जल हो, आवास हो, शौचालय हो, लाइट हो, सब किछ नहीं मिले, ते द्वारे अहाँ ई कदम उठेलहुँ, और अहाँ पहिनेहो कहने रहो जे हम पंचायत में आयल रहो चुनाव लड़ने रहो ऐसे पहिनेहो तऽ किछ मत से अहाँ हारि गेल रहो, हम अहाँ से ई बात करी जे एतऽ से जे अहाँ जीत के जाय छियै, हम ज्यादा बातचीत नहीं करब एहि सब पर, टाइम कम छै और अहूँ के चुनाव में बहुत घूमबा के, हम ई कही जे एतऽ से जे अहाँ जीत के जाय छियै एतऽ के जनता, फेर अहाँ खराब भेलहुँ चुनाव में, और एतऽ से जीत के जाय छियै तऽ एतऽ के जे जनता अपार बहुमत देत अहाँ के, तऽ सबसँ पहिले 3 टा काम एहन कोन काम करबै जे पंचायत में नहीं भेलै यऽ और ओ चीज अहाँ पूरा करऽ चाहै छी, की जरूरी छै? हम जनता से, जनता के पैर के धूल हमर तिलक समान है,
और जनता एहि बेरी हमार समर्थन दिलैथ और देत तो हम पहल पहल जे ट्रीटमेंट के लेल एक छोटा सा अस्पताल होबाक चाही पंचायत में जे नहीं आए ने हॉस्पिटल एम्बुलेंस के जरूरी हम चार गो गाड़ी रखने चलो जनता में पांच साल के अंदर में हम चारों गाड़ी बेच दिलों हम किनको से घूस नहीं लेलों निस्वार्थ भावना में काम केलों हम बैकफुट पर चलेलों हमार सात कट्ठा जमीन बिका गेल हम आज तक चाहे वो हॉस्पिटल में चाहे थाना में चाहे कहीं हम अपन स्वार्थ नहीं लेत निस्वार्थ में काम केलों और जितला के बाद पहल में हॉस्पिटल छोटा दूसरा में शिक्षा तीसरा में जो बेरोजगारी है जैसे छोटा मोटा जो 15 सदस्यीय टीम अगर लेडीज का और जेंट्स का होता है तो उसको बिहार सरकार भारत सरकार और विश्व बैंक मदद करती है ट्रेनिंग करला के बाद में सशक्त और छोटा उद्योग जो हमारे समाज को विकसित करेगा वो अपने पैर पर खड़ा होगा और बच्चे को पढ़ाने में उसके पास में पैसा होगा वो बच्चा पढ़ेगा वही बच्चा मेरे पंचायत का देश लेवल में नाम कमाएगा। और सर्वप्रथम जो रोड गली है एक तरफा नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे नाला की असुविधा है वहाँ पे नाला होना चाहिए, जहाँ पे गरीब वो मसोमात के बच्चा पढ़ते नहीं है वहाँ पे उसकी बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए, जहाँ पे उसकी वृद्धा पेंशन नहीं है हमारा यहाँ का जो पंचायत का कोड है वो हमारे पंचायत से किसी दूसरे पंचायत में वो धंधे का काम करवाया नोट कमाने का काम करवाया और यहाँ के जनता गरीबों गुरबा वो दलित और पिछड़े अति पिछड़े और महादलितों का पैसा लुटाया गया और एक एक सर्टिफिकेट के लिए 200 रुपया उगाही करता है। मैं जानना चाहता हूँ उस यहाँ के जनता जिसको चुना है मैं उससे निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ पे तीन कैंडिडेट है वो तीनों कैंडिडेट में लगा ले, अगर मैं हार जाऊंगा मुझे जनता वोट नहीं करे और मैं जीतूंगा तो मैं जनता सर्वोपरि जनता का पैर का धूल मेरे तिलक समान होगा जी, जी, और जी, मैं इसी के साथ में आगे जी हम अहाँ के बता दी अहाँ से जब पूछल हम तीन टा काम तो अहाँ ओना काम बहुत अच्छे लेकिन तीन टा काम अहाँ बहुत नीक जगह बतेलो जो सबसे पहले हम हेल्थ के सेक्टर में काम करबे ओके बाद शिक्षा प्रदान करबे ओके बाद रोजगार लोबे स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार ये तीन टा चीज मनुष्य के जरूरत पड़बे करे छे अहाँ के योजना बहुत नीक है और हम ई कही जे सब मुखिया पांच साल के लिए टाइम ले छे ई जे अहाँ योजना के नाम लेलु हाँ आई योजना के धरातल पर उतारे ला अहाँ कतेक साल मंगे छे जनता से सबको पांच साल मिले छे अहाँ कते समय ल रहल छी। हम जनता से निवेदन करे ला चाहे छी कि भारत सरकार के मंत्री होए या बिहार सरकार के मंत्री होए कोई एगो मंत्री से कूदे या तो हमरो नाम छ गो मंत्री है हमहू सपना पूरा करे ला हम बिहार सरकार से और भारत सरकार से सहयोग लग सके छी और लघु उद्योग से अखन जना मान लिया कि हाई स्कूल है तीन साल पहले बन गए अखन तक ओपनिंग नहीं भेले हमार गरीब के बच्चा लड़की जे जवान छे जो रामेश्वर हाई स्कूल में जाए के लिए मजबूर है हमार पंचायत के स्कूल टकाटक एनाते ताकत रही है और वार्ड नंबर पांच में है और वार्ड नंबर छ में श्रीरामपुर में मध्य विद्यालय है जो उसकी फील्ड की जो दुर्दशा है यहाँ का जो जनता प्रतिनिधि है वो पांच साल में क्या किए कचरों से भरा हुआ है। जी हम आके कही अहाँ कतेक टाइम लेबे योजना सबके धरातल पर उतारे ला कतेक टाइम हम तीन साल ज्यादा से ज्यादा टाइम लेब जी तीन साल में जो नहीं मिले तो अहाँ इस्तीफा देबे जी नहीं हम तीन साल के अंदर में अगर हम घुसखोर भ गेले तो इस्तीफा दे देब हम काम नहीं करब तो इस्तीफा दे देब हमरा कोई गलत निगाह से देख तो हम इस्तीफा देब हम एहन बने ला चाहे छी जो हम पैदलो चली खालियो पैर चली हमरा पर वस्त्र नहीं रहे लोग कहे कि वह तपेसर जा रहे या हमर मन में संकल्पित छी जी बहुत निक बात बतेलो अहाँ तीन वर्ष के से टाइम लेलो हाँ बहुत निक बात हम अहाँ से ज्यादा बात नहीं करब अंत में ये कही जे अहाँ के सिंबल की है और कते नंबर पे अहाँ के सिंबल के छाप छे करे छी पिछलो गत वर्ष में जे हम हारल छलौं ओहू में मोती के माला एक नंबर पर छल एहि बेरी पुनः हम जनता मतदाता माता बहिन भाई बंधु बुजुर्ग सब से आग्रह निवेदन ई पर्व निस्वार्थ भावना में मतदान करू एक सच्चा सिपाही के चुनू अगर हमर अइ बेरी अहाँ सब जिताबै छी अहाँ के धूल हमर वह माथा के सुगंध है हम अहाँ से निवेदन करै छी कि एक नंबर पर सबसे ऊपर में मोती माला छाप तपेश्वर सहनी के चुनाव चिन्ह मोती माला छाप एक नंबर पे और बटन दबा के भारी मत से हमरा विजय बनाऊ ताकि
जे दारू बाटे वाला, मीट बाटे वाला, अप्रिय बात करे वाला, झगड़ा करे वाला और सामाजिक तत्व में बात के इधर उधर के फैलावे वाला के ए सत सत पर चढ़े वाला जनता हम हाथ निवेदन करी छी निस्वार्थ भावना में एवरी एक नंबर पर मोती माला पर बटन दबा के हमरा विजय बनाओ। आहां के धूल हमर प्रणाम स्वीकार हुए। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय करहियावासी, जय जनता। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।